नोबल प्राइज क्या है क्यों है कितनी प्राइज मनी देता है और किस किस को अवार्ड किया जाता है कब अवार्ड किया जाता है कहां से अवार्ड किया जाता है इस एक वीडियो के अंदर आपको यह सब बताने वाला हूं लेट्स जंप इन टू इट नोबल प्राइज एक प्राइज है जो ज्यादातर साइंटिस्ट को दिया जाता है या ह्यूमन काइंड के लिए जिन्होंने कोई अच्छा काम किया उन्हें दिया जाता है नोबल प्राइज

और उसके बाद इन फील्ड्स के अलावा यही प्राइज इकनॉमिक साइंस में भी देने दिया जाने लगा ख़ास तौर पर मेमोरी ऑफ एल्फर्ड नोबल जिनके नाम पर यह प्राइज़ है उनकी वजह से और ये बेसिकली एक एक्सेप्शन एक थी स्वीडन के जो सेंट्रल बैंक हैं उनकी तरफ से कि जनाब हम ये जो इकनॉमिक साइंसिस के अंदर है एक प्राइज़ देंगे जिसका ये मुश्किल सा नाम है मैं इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करता हूँ स्फेरिगिस रिक्स बैंक ठीक है तो सवेरिग रिक्स बैंक प्राइज इसको बोला जाता है और यह इकोनॉमिक में दिया जाता है तो आपके पास कितने फील्ड हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसन और फिजियोलॉजी लिटरेचर पीस एंड इकनॉमिक साइंसेज जो नोबल प्राइज था एक्चुअली स्टार्ट कहां से हुआ लेट्स जब इन्वेंटर ऑन्ट्रप्रन या बिजनेसमैन इन तीनों में जो इन तीनों खसूसियात का हामिल एक शख्स अल्फ्रेड नोबल जब वो फोत हुए अठारह सो छियानवे में ज फॉर्चून वर्स टू बी यूज रिवॉर्ड किन किन लोगों को रिवॉर्ड करने के लिए दोल है ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड विल थी जिसके अकॉर्डिंग उनकी फॉर्च्यून से क्योंकि ये इन्वेंटर भी थे ऑन्टरप्रनियर भी थे बिजनेसमैन भी थे उनकी विल के मुताबिक उनकी फॉर्च्यून से यह अवॉर्ड दिया जाने लगा और एरफर्ड नोबल ही आपके सामने उनकी तस्वीर है नोबल प्राइज वुड रिवॉर्ड आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन द फील्ड दैट वाज ही वॉज मोस्ट इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम यानी कि जितने भी फील्ड जो वो उस अपनी लाइफ टाइम के अंदर जिनमें वो बेसिकली काम करते रहे वो था फिजिक्स केमिस्ट्री फिजियोलॉजी मेडिसिन और लिटरेचर फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड लिटरेचर एंड पीस ये कुछ फील्ड हैं जिनके अंदर वो काम करते रहे और इन, इन लोगों को ही नोबल uh, जो प्राइज़ है वो दिया जाने लगा फर्स्ट नोबल प्राइज वार वॉज अवार्डेड एक्चुअली इन नाइनटीन ओ वन और ये डिफरेंट कैटेगरीज में थे तो इस वजह से काफ़ी ज्यादा अवार्ड जो थे वो नाइनटीन जीरो वन में स्टार्ट किए गए बेस्ड ऑन दीज कैटेगरीज ठीक है अब यूजली क्या होता है कि नोबल प्राइज़ की जो अमाउंट है वो अच्छी खासी होती है लेकिन अमाउंट के साथ साथ इसकी प्रस्टीज बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है जैसे कि गोल्ड मेडल दिया जाता है जिसमें एनग्रेव किया होता है विजन इमेज ऑफ अल्फ्रेड नोबल और डिप्लोमा दिया जाता है अ पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट फॉर ईच लट लोरिएट लोरिएट यस मोनिट्री अवार्ड जो होता है द प्राइज अमाउंट वेरीज ईच ईयर डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंस ऑफ द नोबल फाउंडेशन क्योंकि ये फाउंडेशन इनकी फॉर्चून से बनी थी तो उसमें जितने जो मनी है जो बाकी बचे हैं पैसे बचे हैं उनके बेस पे दिया जाता है रिसेंट ईयर्स के अंदर जो कैश अवार्ड था वो अप्रॉक्सिमेटली टेन मिलियन स्वीडिश क्रोनर्स ठीक है और एस सी के ए ने बोला जाता है लेकिन यूजली ये नाइन हंड्रेड थाउजेंड टू वन मिलियन यू एस डी तक भी अवॉर्ड किया जाता था डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज रेट ठीक है तो आप कह सकते हैं कि वन मिलियन डॉलर तक की ये प्राइज मनी होती है इसकी इफ़ द प्राइज इज शेयर बिटवीन मल्टीपल रेसिपरेंट्स तो उन्होंने हैं भाई ये अदा कर लो ठीक है तो उसे डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट प्रपोर्शन में या इक्वल प्रपोशनस में अगर दो या तीन लोगों को डिवाइड किया जाए डिपेंड करते हैं एंड नोबल प्राइज़ इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑनर एज वेल ऑफन ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट रिकग्नेशन एंड इन्फ्लुएंस इन द लोरियस फील्ड फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ए आई की दुनिया में मिला है नोबल प्राइज ये प्राइज़ के अलावा फिर उनकी एक रिकगनीशन स्टार्ट हो जाती है यानी कि दुनिया उन्हें मानने लग जाती है तब वो कोई भी ऐसा आइडिया जो वो दोबारा से लेके आना जाएँ तो उन्हें अच्छी खासी फंडिंग मिल जाती है गवर्नमेंट्स उन्हें सपोर्ट करती हैं एंड ऑफ कोर्स अगर ये नोबल प्राइज उन्हें मिलता है तो उनकी फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर और भी एडवांसेस करने के लिए उन्हें मौके जो हैं वो और भी ज़्यादा मिल जाते हैं अब होता क्या है कि नोबल प्राइज़ जो है 2024 का दो मेजर नोबल प्राइजेस जो फिज़िक्स का था एंड केमिस्ट्री का ठीक है ये दोनों जो हैं नोबल प्राइज़ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ये ए आई बे बेस्ड जिन्होंने एल्गोरिथम डेवलप किए थे या ए आई डिवेल्प किए थी उन्हें मिले हैं कैसे मैं भी आपको समझाता हूँ जो नोबल प्राइज नोबल प्राइज़ था फिज़िक्स का ये 2024 में अवार्ड किया गया जॉन जे हॉपफील्ड एंड जोफ्री ई हिंटन को जिन्होंने फाउंडेशनल डिस्कवरीज की थी एंड इन्वेंट किया था इनेबल किया था मशीन लर्निंग को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ ठीक है यानी कि ये पाइनियर्स हैं एआई के जो आज आप देख रहे हैं तो इनको ये फिजिक्स के अंदर ये अवार्ड दिया गया क्यों क्योंकि हॉप क्रिएटेड ए स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर एंड रिकन्स्ट्रक्ट इन्फॉर्मेशन एंड हिंटन इन्वेंटेड अ मैथड दैट कैन इंडिपेंडेंटली डिस्कवर प्रॉपर्टीज इन डेटा विच हैज़ बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर द लार्ज न्यूरल नेटवर्क इन यूज तो आप ये समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो लार्ज न्यूरल नेटवर्कस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को मेमोरी के ऊपर स्टोर करके इन्होंने डेटा से पैटर्न रिकग्नाइज करवा के ए आई का आप कह सकते हैं कि बेसिक मॉडल दिया था जहाँ से अब ए आई एडवांस लेवल पर गई हुई है और जो इनकी की फाइंडिंग है वो ये है कि हॉफ फील्ड जो है वो बेसिकली हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एंड हिंटन हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इन दोनों ने इस प्राइ प्रोस्टीजर प्राइज को शेयर किया ऑफ कोर्स प्राइज मनी दोनों में शेयर हो गई है बाकी मेडल्स दोनों को मिले ओ नहीं अद्दा करना इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो प्राइज बनी है वो आदि अदी करनी है देन देयर वर्क लेट द ग्राउंड वर्क ऑफ टूडेज पावरफुल ए आई मॉडल्स एंड डीप लर्निंग टेक्निक्स जो भी चैट जेपीट एट्सेट्रा एट्सेट्रा बन रहा है वो सारा इसी के बेस पे बन रहा है हिंटन को अक्सर अवकात लोग गॉड फादर ऑफ़ एआई भी कहते हैं जिन्होंने क्रुशल एल्गोरिथम यानी कि बैक डेवलप किया है बैक प्रोपिकेशन क्या होती है गूगल पर सर्च कीजिएगा आपको समझ आ जाएगी या आप कोडेनिक्स के हमारे चैनल पर जाके देखेगा यू कैन अंडरस्टैंड दैट बैक प्रोपिकेशन क्या होती है दिस अवार्ड अंडरस्कोर्स द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ए एंड मशीन लर्निंग इन मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इसका जितना रोल है ना आप सोच भी नहीं सकते ये तो था पहला अवार्ड जो फिजिक्स में दिया गया उनको जिन्होंने ए की बुनियाद रखी यानी कि मशीन लर्निंग की बुनियाद रखी या गॉड फादर ऑफ ए आई अब जस्ट अंदाजा करें कि फिजिक्स का अवार्ड ए में क्यों मिला उसकी रीजन यह है कि जो न्यूरल नेटवर्क की स्ट्रक्चर है उसके अंदर फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है ठीक है so, सो न्यूरल नेटवर्क की स्ट्रक्चर को जब आप पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो फिजिक्स के कवानीन के ऊपर इन्होंने बनाया था अब आगे चलते हैं अगला जो नोबल प्राइज है वो है केमिस्ट्री का जो आज ही अनाउंस हुआ है आज है जनाब नौ अक्टूबर तो आज ये अनाउंस हुआ है अगर आप गौर करें तो नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इज़ एक्चुअली ये दो हिस्सों में बट है पहला हाफ जो है वो डेविड बेकर को फॉर कम्पिटिशनल प्रोटीन डिज़ाइन यानी कि जो प्रोटीन्स होती हैं जो आपके जिसम के अंदर होती हैं जो डी होता है उससे बनती हैं अमाइनोसाइड अमाइनो ऑसाइड से बनती है प्रोटीन आप यही समझें कि हमारी बॉडी में जो भी हम कर रहे हैं जो भी हम सुन रहे हैं या जो भी काम अंजाम देते हैं या हम खाते हैं तो हमें टेस्ट मिलता है वो सब कुछ प्रोटीन्स के इर्द गिर्द घूमता है ठीक है सो so, अगर आपको प्रोटीन्स के ऊपर अच्छी रिसर्च करने को मिल जाए तो आप कई गुना ज्यादा स्पीड से वही काम कर सकते हैं जो लोगों को दहाइयां लग गई यानी कि दस दस बीस बीस साल लग गए किसी चीज को प्रोडिक्ट करने में इन लोगों ने मिलकर प्रोटीन की स्ट्रक्चर को रिजॉल्व किया और ए आई एल्गोरिथम जनरेट किया जिसका नाम है अल्फाफोल्ड उस एल्गोरिथम ने क्या किया प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को जो लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में जाके या लैब एक्सपेरिमेंट करके प्रोडिक्ट करते थे इन्होंने मिनटों में वही काम कर दिया यानी कि जो आप कह सकते हैं महीनों का या सालों का काम इन्होंने मिनटों के अंदर कर दिया कैसे अभी वो देखते हैं सो so, ये दो लोग तीन लोग हैं बेसिकली डेविड बेकर फॉर कंपिटिशन प्रोटीन डिजाइन एंड अदर हाफ ज्वाइंटली शेयर बिटवीन डेमिस हसेबिस एंड जॉन एम जम्पर फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन तो 50 परसेंट डेविड बेकर को गया एंड 50 परसेंट इन दोनों को गया ठीक है तो इक्वल प्रोपोर्शन भी हो सकती है और कभी कभार सेपरेट प्रोपोर्शन भी होती हैं ये हैं जनाब वो माइंड सेट्स डेविड बेकर जो है उन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन किया और यहाँ पे जो हमारे पास डेमिस uh, हैं और जॉन एम जम्पर हैं इन दोनों को मिला ये वाला प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रशन में एक बात याद रखें ये जो अवार्ड होता है ये स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस यानी कि स्वीडन में दिया जाता है और ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज में दिया जाता है अनटिल अनलेस जो आपका नोबल पीस प्राइज है वो नॉर्वे में दिया जाता है उसके पीछे भी स्टोरी है आप नोबल प्राइज की वेबसाइट पर जाएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट मैं पीस प्राइज की यहाँ पे बात नहीं करूंगा एंड यू नो वाई और यहाँ पे सिर्फ साइंस की बात मैं करूँ इस वजह से हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे यहाँ पे अगर देखें ये जो दो लोग हैं डेमिस हेसबिस एंड जॉन एम यंपर जम्पर ये दोनों गूगल के अंदर काम करते हैं गूगल डीप माइंड के अंदर ये काम करते हैं दीज पीपल आर नॉट वर्किंग इन एकेडेमिया ये इंडस्ट्री में रहते हुए इन्होंने ये प्रोडिक्शन टूल बनाया विच इज़ टोटली फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन आप इसे यूज़ कर सकते हैं आप इसे लोड कर सकते हैं अपने पी के अंदर चला सकते हैं और इन्होंने डेविड बेकर ने इन्हें हेल्प किया था To actually design the computational proteins which are unknown to humans at the moment. So, Nobel, Peace Pri Nobel, sorry, Nobel Prize in Chemistry 2024 is about proteins, life's indigenous chemical tools. डेविड बेकर हैज सक्सेडेड सक्सीडेड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फीट ऑफ बिल्डिंग इंटायरली न्यू काइंड ठीक है इन्होंने नई बिल्कुल नई प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर दी बेस्ड ऑन द कंप्यशनल प्रोटीन डिजाइन लेकिन इन दोनों ने जैसे मैंने आपको पहले बताया डेमिस डेमिस हैसबिस एंड जॉन जम्पर हैव एन मॉडल टू सॉल्व है फिफ्टी ईयर ओल्ड प्रॉब्लम प्रिडिक्टिंग प्रोटीन्स कंप्लेक्स स्ट्रक्चर्स दीज डिस्कवरीज होल्ड इनोरमेस पोटेंशियल कैसे अभी आपको समझ आएगा लेकिन उससे पहले बिलीव मी ए इन्होंने ली उसे अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट किया एंड आज नोबल प्राइज़ इनको मिल गया आप खुद देखें फिजिक्स वाले जिन्होंने ए आई बनाई है उनको भी नोबल प्राइज़ मिला तो इसका मतलब ए आई आपका फ्यूचर ही नहीं प्रेजेंट भी है लेट्स सी किस तरीके से अगर आप गौर करें तो नोबल प्राइज़ के अंदर जो केमिस्ट्री में वन हाफ़ एक को मिला और वन हाफ़ दूसरे को मिला अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे जो हमारे पास आ, की फाइंडिंग्स हैं इनकी अगर उनको नोट करें तो हमारे पास जो बिहाइंड गूगल माइंड डीप माइंड एक गूगल्स की डीप माइंड एक बेसिकली एक कह लें कि एक पार्ट है या एक सब ग्रुप है गूगल के अंदर फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन एल्फाफोल्ड जिन्होंने ये एल्फाफोल्ड को प्रोडिक्ट किया इनके पास क्या हुआ था जितनी भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद हैं दुनिया के अंदर दो हजार अठारह में इन्होंने एक ऐसा मॉडल पेश किया रिसर्च पेपर्स के थ्रू जिसके अंदर आप नॉन प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर की बेस पे अननोन नॉन प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते थे यानी कि ये मेरे पास दस प्रोटीन्स हैं इनकी स्ट्रक्चर ऐसी नज़र आती है ऐसी नजर आती है ऐसी नजर आती है मैंने ये डेटा उठाया कंप्यूटर में फीड किया मॉडल ट्रेन किया उसके बेस पे ग्यारहवीं स्ट्रक्चर की जो मैंने प्रोडिक्शन है वो दे दी ग्यारहवीं प्रोटीन की सो so, दस की बेस पर ग्यारहवीं को प्रोडिक्ट करना लेकिन ये दस ग्यारह की बात नहीं हो रही इट्स एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स हियर So, इन्होंने ये फोल्ड का मॉडल दिया एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम दैट प्रिडिक्ट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर एसिड सीक्वेंस ठीक है सो इट्स बिग आई वुड से फाइंडिंग अब कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ डीप माइंड ने डेब्यूट किया था यानी कि फर्स्ट टाइम एल्फाफोल्ड को 2018 में दिया तो आज है 2000 24 का साल चल रहा है आप देखें कि 6 साल लगे उनको नोबल प्राइज़ लेने में लेकिन इनको सिर्फ एल्फा फोल्ड को सिर्फ यही प्राइज नहीं मिला देर आर मेनी अदर प्राइजेस जो जर्मन गवर्नमेंट uh, के थ्रू या अदर गवर्नमेंट्स के थ्रू इन्हें मिले वो भी आप देख सकते हैं गूगल करके एल्फा फोर्ट्स एबिलिटी टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट दी स्ट्रक्चर्स रेवोल्यूशन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी ड्रामेटिकली एक्सेलरेटिंग रिसर्च इन एरियाज लाइक डिस्कवरी ड्रग डिस्कवरी एंड एंजाइम डिजाइन ड्रग डिस्कवरी एंजाइम डिजाइन कोविड नाइन्टीन जो वैक्सीन हमें मिलनी दी हैं इस तरह के जितनी भी चीजें हैं वो ए आई की बेस पर प्रोडिक्ट हुई हैं फिर उनको कन्फर्म किया गया लैब में यानी कि जो सालों का काम था वो सेकंड से और मिनटों के अंदर इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया या घंटों के अंदर प्रियो टू अल्फाफोल्ड प्रोडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड लेबर इंटेंसिव एक्सपेरिमेंटल वर्क उसमें क्या होता था जाओ जी एनआमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेंस के थ्रू प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर देखो क्रिस्टोलोग्राफी देखो थी और मैनी अदर थिंग्स जो वो देखते थे लोग और उसके बेस पे स्ट्रक्चर को प्रोडिक्ट करते थे लेकिन इन्होंने एक कैलगोरिथम दिया आप सिर्फ अमाइनो एसिड की सीक्वेंस डालो आपके पास आउटपुट प्रोटीन की स्ट्रक्चर आ जाएगी और उसके बेस पे हम अंदाजा लगा सकते हो कि क्या यह प्रोटीन एक न्यू न्यू ड्रग डिस्कवरी में हमें हेल्प आउट कर सकती है या नहीं क्या इस प्रोटीन का किसी और प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन है या नहीं ये बायोलॉजी की बातें बट ए आई वॉज द मेन थिंग विद एल्फाफोल प्रोडिक्शन दैट यूज टू टेक सेवरल ईयर्स और ईयर्स कैन नाउ बी अचीवड इन मैटर ऑफ मिनट्स सालों का काम मिनटों में यही काम आप कर सकते हैं अपने फील्ड में आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट इन अ मिनट ऑफरिंग एन इन वैल्यूएबल टूल फॉर रिसर्चर्स वर्ल्ड वाइड

कितनी ज़्यादा डिस्कवरीज सिर्फ इनकी वजह से आई है अगर दो मिलियन साइंटिस्ट यूज़ कर चुके हैं जस्ट इमेजिन के अल्फाफोल्ड कितने पेपर्स के अंदर आया है या यूज़ किया गया है इन रिसर्च तो एटलीस्ट अगर दो मिलियन का हाफ भी लगा लो चलो हाफ नहीं थ्री थर्ड पार्ट भी लगा लो सो स्टिल इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ठीक है सो so आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कम अज कम पाँच लाख से दस लाख रिसर्चर्स ने इसे यूज़ किया है ऑन अ ग्लोबल लेवल जिन्होंने पब्लिश किया बाकी ऑफ कोर्स टू मिलियन साइंटिस्ट ने यूज़ किया अब गूगल डीप माइंड जो है अगर आप उनकी ये वेबसाइट पर जाएंगे केमिस्ट्री नोबल जो प्राइज मिला है उन्होंने नेचर वालों ने भी इसे पब्लिश किया उन गूगल डीप माइंड का एल्फाफोल्ड अगर आप गूगल पे लिखेंगे यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ वेबसाइट और वहाँ पर जाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एल्फाफोल्ड किस तरीके से हमें हेल्प आउट कर सकती है अब एक क्वेश्चन सभी का है कि क्या हम नोबल प्राइज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीस प्राइज आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर प्राइज क्या हम नोबल प्राइज़ जो फ़िज़िक्स uh, केमिस्ट्री या हमारे पास फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन या अदर फील्ड्स के अंदर है क्या हम पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं क्या हमारे रिसर्चर्स ये काम कर सकते हैं एंड माई आंसर इज़ यस हम ले के आ सकते हैं अगर हम ए आई को अपनी रिसर्च के अंदर इम्प्लीमेंट करें मसला ये है कि हमारे रिसर्चर्स ए आई सीखना नहीं चाहते और अगर वो ए आई नहीं सीखेंगे हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि जनाब मतलब मैं जितना गहरा सांस लो उतना कम है कि किस तरीके से वो नई इनोवेशन सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं या जल्दी कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंसिव लेबर इंटेंसिव वर्क अब आपका वो दौर गया कि आपको लेबर इंटेंसिव काम करना पड़े आप ए आई की बेस पर बहुत कुछ कर सकते हैं चले नोबल प्राइज़ ना लें कम अज़ कम जो टूल्स डेवलप हो गए उनको यूटिलाइज़ करें अपने फील्ड में लेके आए जो ए आई की टॉप नॉच की इस वक्त न्यूज़ चल रही है उनको सुने सुनने के बाद उसे अपने रिसर्च फील्ड के अंदर इंप्लीमेंट करें बिलीव मी यू विल डू वॉन्ट्स कैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अगर आप गौर करें यह कुछ पॉइंट्स हैं अगर सारे रिसर्चर इन पॉइंट्स को देख लें देन इट वुड बी ग्रेट इम्प्लीमेंट ए आई इन योर रिसर्च डू नॉट एक्चुअली स्विच यूर फील्ड टू वर्ड्स ए आई लेकिन ए आई को अपने फील्ड में लेके आए यहाँ पर देखें इन्होंने अपने फील्ड को ए आई में कन्वर्ट नहीं किया इन तीनों ने इन्होंने एक्चुअली बायोलॉजी के अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर केमिस्ट्री के अंदर कंप्यूटेशनल डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस किया यानी कि ए को इंट्रोड्यूस करके एक नया मॉडल बनाया बेस्ड ऑन द नॉन डेटा जो उनके फील्ड के अंदर है तो सेम काम हम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं अब देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है आई इसको सीखें क्रॉस डिसिप्लिनरी अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करें यानी कि हर एक फील्ड वाला दूसरे फील्ड के साथ बैठ के बात करें इनोवेशन एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को यूज़ करें यानी कि रिसोर्स इंटेंसिव कंप्यूटर्स वगैरह अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंस्टॉल करें और उनको यूज करें गेम गेमें नहीं खेलनी हमने यूट्यूब नहीं देखने उस पर हमने कोई काम करना है वो क्या है कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज करना वर्सिटैलिटी है ए आई स्किल्स के अंदर आप हायर करें उन लोगों को जिनको ए आई का पता है ए आई आती है या ए आई के एल्गोरिथम्स डिवेलप करना वो जानते हैं हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट बहुत दूर बैठे होते हैं एज कंपेयर टू सम बायोलॉजिस्ट केमिस्ट फिजिसिस्ट तो हमारे लोग बहुत दूर हैं उनसे उन दोनों को इकट्ठा बिठाएं उन दोनों को बताएं कि आप मिलके इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके हैं जिसको क्रॉस डिसिप्लिनरी अपॉर्चुनिटीज बोला जाता है ए आई रिसर्च इन एंड एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज को ओपन करें यानी कि हर फील्ड के अंदर ए आई ए एक आधा एक्सपर्ट बिठाएं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसका नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर साइंसेज उसके अंदर ए आई एक्सपर्ट्स को बिठाएं ताकि वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ मिलके कुछ नया कर सकें कुछ इनोवेटिव कर सकें ऐसा नहीं है जो ट्रेडिशनल रिसर्च हम करते जा रहे हैं वही टॉप पे आएगी ऐसा बिल्कुल नहीं होएगा यू हैव टू एक्चुअली इंप्लीमेंट ए आई इन साइड योर रिसर्च फील्ड ठीक है एंड देन यू हैव टू इन्हांस एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज जो लोग आपके पास पहले एक्सपर्ट बैठे हैं उनको थोड़ा सा ए आई का नॉलेज भी दिलवा दें उन्होंने दे पाइथन का चिल्ला करवा दो आई एम जस्ट किडिंग कोई और नॉलेज भी दे सकते हैं ए आई एज अ टूल फॉर इनोवेशन आप यूज़ कर सकते हैं कंपेटिटिव एज आपको मिलेगा अगर आप ए आई को यूज करते हैं आप क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलेबोरेशन कर सकेंगे इजीली एंड यू कैन कंबाइन योर एग्जिस्टिंग नॉलेज विद एआई दैट कुड ओपन अप लीडरशिप और नीश रोल्स जो ऐसे रोल्स आपके लिए लेके आएगी दुनिया के अंदर जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे क्यों क्योंकि ए हर फील्ड में घुस रही है हम लोग बहुत पीछे हैं हमें आगे आना है हर साइंटिस्ट को हर रिसर्चर को ए को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप एक साइंटिस्ट हैं रिसर्चर हैं या आपके कोई जानने वाले रिसर्चर या साइंटिस्ट हैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है ए को इम्प्लीमेंट ज़रूर करें और अगर आप ए को इंप्लीमेंट कर रहे हैं दैट्स ग्रेट नहीं कर रहे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें नहीं आता तो आप हमारे फ्री कोर्सेज से सीख सकते हैं मैं आपके सामने उन फ्री कोर्सेज का जो लिंक है वो भी दे देता हूं और हमारा जो करंट कोर्स चल रहा है आप उसमें भी इनरोल करवा सकते हैं विच यू कैन फाइंड आफ्टर दिस वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हुआ है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप ए को अपने फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे कि नहीं करना मर्जी आपकी है लोग ए आई इंप्लीमेंट करके नोबल प्राइज ले चुके हैं और हम अभी भी सोच रहे हैं कि यह तो मेरा फील्ड ही नहीं है टेक केयर अल्लाह हाफिज